मैं समस्त पधारे लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा। आशीर्वाद एक प्यारी तो मुझे इतनी दूर खींच के ले आया। मेरे खुद के जिले में बड़ा प्रोग्राम था, पर मेरे पास इतने लोगों के फोन आए, इतने लोगों ने आदेश किया कि आना तो पड़ेगा। पूरे मेवाड़ ने आपको चुनाव के अंदर पूरी ताकत के साथ मदद की थी, आपके साथ थोड़े बड़ी मजबूती के साथ रहे थे। मैं मंच पर मंत्र से मेवाड़ जात सभा के अध्यक्ष रतनलाल जी, जात मुख्य अतिथि आदरणीय भाईयान साहब, विशेष अतिथि आजरा साहब, विधायक चंद्रपाल जी, जात समाज अध्यक्ष मिठूलाल जी, एडिशनल एसपी गुमानाराम जी, सीपी जोशी साहब, सांसद साहब, डेली चेयरमैन बद्री जी और मेरे युवा साथी प्रकाश जी चौधरी, देवीलाल जी, प्रदीप जी, राम प्रसाद जी, बड़े भाई गजराज जी, महेंद्र जी मान और मेरे समस्त सामने जो दिल सेला पैदा उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा हाथ जोड़ के। मेवाड़ की धरती शौर्य समर्पण और त्याग की धरती है। यहाँ जाने का मुझे सौभाग्य मिला, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं जीवन पर्यंत आप लोगों का ऋणी रहूंगा। मैं आज सभी समाज के लोगों से जागृत करना चाहूंगा कि तेजाजी महाराज अपने आराध्य देव हैं, उनके पद की रूप में चल के अपने को सर्व समाज की रक्षा करनी है। मेरी बहनों ने इतना आते मुझे प्यार प्रेम दिया, मालाएं पहनाई, आशीर्वाद दिया। मैं मेरी माताओं बहनों आपको बताना चाहता हूं, जहां भी कहीं आपकी सुरक्षा की बात आएगी, तेजाजी महाराज के पत्नियों पे चलते हुए जैसे बैल माता गुजरी को वचन दिया था, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, याद करवाइए मैं चौधरी। इसी तरह आप मजबूती से जहां याद करोगे वहां पाओगे। मैं बताना चाहता हूं, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का व्यक्ता प्रसंग अध्यक्ष चुना गया, तो मैं से मीडिया वालों ने पूछा कि ये जीत किस ओर प्रेरित होती हुई आपकी। मैंने कहा मेरी जीत किसान आंदोलन में सही जो मैं किसान परिवार से आता हूं, आप लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं। मुझे मेरे भाइयों के दुख दर्द के बारे में पता है। मैं पिछले कई सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संघर्ष किया था, धरातल पर एक कार्य किया था। मैं किसी पार्टी या संगठन से नहीं आता हूं, मैं गांव परिवार से, मेरे पिताजी मास्टर है और गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। लोग बड़े बड़े संगठन वाले मेरे सामने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े थे, उन लोगों ने मुझे बड़ी दबाने की कुतरने के प्रयास किया। मैं हमेशा कहता था मैं किसान का बेटा हूं, संघर्ष देखा हुआ भी बहुत है, किया हुआ भी बहुत है। मुझे दबाने कुतरने इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि समस्त पूरे राजस्थान के पूरे प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने अपने भाई बहनों को आप लोग पढ़ाओगे लिखाओगे, किसान परिवार से अधिक लोग यदि अधिकारी बनेंगे, तो समाज के साथ साथ देश और प्रदेश का अस्तित्व अच्छा हो जाएगा, भारत का भविष्य अच्छा हो जाएगा। पर उसके लिए अच्छा पढ़ना लिखना पड़ेगा। आप लोग आज मैं अपील करता हूं आपसे, पढ़ने लिखने के साथ कोई कोताही नहीं बरतनी है। सभी समाज के बड़े लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल, ज्यादा से ज्यादा फ्री कोचिंग और शिक्षा की प्रति अच्छी दीजिए। मैं राजस्थान के सभी मंत्रियों से, सभी एमएलए, सभी निवेदन करूंगा कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में आप जाओ, देखो युवा की स्थिति, जांचो, पढ़ो, शिक्षा के आवाज क्या है,
शिक्षा के आलात सुधरेंगे तभी तो प्रदेश का भला होगा। जब बेरोजगारी खत्म होगी तभी परिस्थिति सुधरेगी। जब युवा सही दिशा में जाएंगे तो इस देश का भविष्य सही दिशा और दशा में जाएगा। किसान कौन थे, मेरा निवेदन है कि मैं जात परिवार में पैदा हूं, ये मुझे गर्व है, लेकिन सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद देकर अध्यक्ष बनाया था, अच्छे मार्जिन के साथ अच्छे वोटों से मैं अध्यक्ष बना था। ये इसलिए कि मैं धरातल में लेकर मैंने मजबूती के साथ संघर्ष किया था। आप लोगों से एक निवेदन मेरा रहेगा, जो आपकी भावनाओं से जुड़े आप लोगों के बीच में उसी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया करो। अपने को जात पात पे सेक्टर पे नेता नहीं बनाना है, किसी भी प्रकार का आवाज नहीं होना चाहिए, योग्य और कभी व्यक्ति को ही चुनना है। आज तेजा जी के इस कार्यक्रम के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि धरातल पे लेके जो मजबूती से संघर्ष करेगा उसको आप लोग भी कभी नकार नहीं सकते। मैं सभी युवा शक्ति का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने मेरे को जब से चितौर के अंदर घुसा था उससे कई किलोमीटर पहले से वो लोग मेरे सामने आए थे और जो मुझे प्यार दिया उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आप लोग बस आशीर्वाद बनाए रखना और जहां जहां आपकी आवाज जहां जहां छात्र हितोगी आवाज जावे वहां आपके भाई को याद करना। मैं आऊंगा आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, पूरी तरह आपके साथ आऊंगा। देश और प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर यदि छात्र शक्ति मुझे बुलाएगी तो मैं मेरी पूरी जी और जान पूरी टीम के साथ आप लोगों के बीच आऊंगा। लेकिन आप यदि अच्छा कार्य करूं तो मैं वहां अच्छा आशीर्वाद भी करना, अच्छा सपोर्ट भी करना, लोगों के सामने मैं एक नई मिसाल पेश करने आया हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष बना हूं तो राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बनाने का कार्य करूंगा। वहां पूरे देश और प्रदेश के छात्र शक्ति पढ़ने लिखने के लिए आती है। उन्हें गर्व होगा कि उनका भाई एक निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय में उनके सेवक के रूप में उनकी सेवा कर रहा है, उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। मैं छात्र शक्ति की आवाज को कभी बहुने नहीं दूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों को प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया। शांति बना के रखनी है, सब लोगों को सुनना है। मेरा आगे नागौर और सिक्किम में भी कार्यक्रम है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रणाम। समस्त जनशक्ति को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए जी चौधरी, युवा सरगम, हमारे जो सरकार Thank you.
है।